हाँ जी, कैसे देख रहे हैं अब तो जयंत गए? जयंत चले गए जी, जाओगे जाओगे जी वो तो। अच्छा हाँ जी, कल लगा के अब तो कमजोर हो गया मामला? नहीं भाई, झटके की तो बात है जी, झटके की तो बात है जी, जो चला गया चला गया, उसे कौन रोक सके। इनका बड़े में भी नहीं जावा था कौन? अजीत चौधरी। अच्छा, कभी कहीं चला जाए कभी कहीं चला जाए, वो भी चला गया अब जरा। क्या कह सकें जी, 22 के चुनाव में पूरे शिद्दत से वोट करेंगे, गठबंधन मजबूत हो, अखिलेश और जयंत मिल के इस बार तो बीजेपी का सफाया करेंगे, और फिर ये धीरे धीरे ये सारे बीजेपी की ओर जाने लगे। अरे बस बीजेपी हो जाएगी और क्या, बस यही होगी और तो कोई है ही नहीं। बीजेपी की चल रही है, वही हो जाएगी क्या जी? हाँ जी, बीजेपी का अगर वो होगा, चाहे वो बेईमानी से हो जाओ, चाहे वो कुछ कमती बच्चों में जब हो जाओ। ये तो पहले ही कमजोर हो गया ना गठबंधन, तो लोग टूट टूट के जा रहे हैं। पहले नीतीश चला गया, अब ये जयंत चला गया, पता चला जो कांग्रेस का साइकिल का होगा तो जीतेगा। पहले तो मैं 54 नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा, मैं तो अड़ा रहूंगा, मुकाबला करूंगा। उनका बड़े मियाँ चला जाए तो क्या करें, चौधरी जी चला जाए था, वो भी नहीं क्या करता, वो भी इधर उधर चला जाता बस। अब जीतेगी वाजपेयी जी, कितने जोर लगा लो, पहले ही बता रहे वाजपेयी जीतेगी, पहले ही क्यों मन मान लिया कि हाँ बस वो जीतते, जब सारे टूट टूट के वहाँ जा रहे क्या करें भाई, बेईमान तो चलेगा क्या भाई? वो तो ये कह रहे हम तो बेईमाना करते नहीं, जाऊँ वोट मिल रही है हमें, करे क्यों नहीं हो तो होवे। हमारा चेयरमैन भी चला गया कौन? विजय, विजय पंडित जी शामली से भाजपा में, हमारा खास आदमी था तो वो चला गया। सारी लोग दली चली गई जब गठबंधन ही हो गया बस, वो हमारा क्या जिक्र नहीं, हमारा चला गया तो हमें भी जाना पड़ेगा वहाँ से, आप भी जाओगे बदना, हमारा तो आदमी हो, मारा तो खास आदमी, सही बात है विजय कुछ की, मारा तो खास आदमी जी। अच्छा, मारा तो घर है वो। अच्छा बस विजय भाई साहब, हाँ जी ये वाओ, कैसे देख रहे हैं आप? अब तक तो मुकाबला था कि सामना सामना करेंगे, जयंत कह रहा था मैं 54 नहीं हूँ जब बदल जाऊंगा पलट जाऊंगा, हम तो बीजेपी को टक्कर देंगे। ये तो राजनीति है, कोई भी बदल जाए इसमें तो अच्छे अच्छे बदल जाए, जिधर पल्ला भारी दिखेगा उधर ही भागेंगे। अच्छा हाँ, क्या करेगा कोई, मौका देख रहे हैं जहाँ कुछ मिलेगा बस, क्या करे, राजनीति ऐसी चीज हो जिसको मौका जिधर लगेगा वो उधर ही जाएगा। जयंत को ये लगा कि इधर सत्ता जाने वाली नहीं है बीजेपी, तभी तो उधर गया वो तो जी। इसको ये ना लगता तो चाल चाल। हाँ जी, अमरूद खाया जा रहा? हाँ अमरूद खाया जा रहा। जयंत चला गया है? जयंत तो जा लिया, ठीक हो गया, जा लिया बढ़िया हो गया। हाँ अच्छी जगह जा लिया और क्या, अच्छी जगह। हाँ ठीक है जी बढ़िया। क्या नाम आपका? अरुण। अब तो बीजेपी और लोकदल सब एक हो गए, अच्छी बात है, एक हो गए थे तो कैसा लग रहा आपको? ठीक लग रहा, ठीक चल रही है, बढ़िया ठीक लग रहा, मगर ठीक ही चल रही सरकार। योगी जी ठीक, और मोदी ठीक है जी, सब ठीक है, सब परिवार ठीक है, काम को मतलब काम काज हो रहे, लोगों के खुश हैं लोग या कुछ हो रहा? हाँ जी सब कुछ हो रहा, मगर सब कुछ हो रहा काम काज। ये कह रहे लोग कि इसमें हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है जी, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं योगी जी, वजह तो उनका मस्जिद, वजह तो उनकी समझ आया जैसा कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है, आपको कैसा लगता है कैसा आपके हिसाब से कैसी चल रही है? ठीक चल रही सरकार तो बढ़िया चल रही है, बोला जी बढ़िया चल रही। हाँ तो कह रहे ना कि हमारी मस्जिद तोड़ दी ये सरकार तो ऐसी है, बाबरी मस्जिद ढा दी फिर मंदिर बना दिया, आप वाराणसी की बात करें कभी मथुरा की बात कर रहे, ठीक है जी जैसा भी कर रहा ठीक है, कर रहे जैसे भी कर रहा ठीक है, बोल नहीं बड़े। हाँ भाई साहब, क्या नाम आपका? इरफान। इरफान जी कैसे देख रहे हैं आप अपने नजरिए सरकार? ठीक ही देख रहे जी हम तो, ठीक ही देख रहे, पर दिक्कत तो यह है नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा। अब निकल ली नौकरी भी, इससे पहले कोई नौकरी नहीं थी, इसमें भी पता नहीं होगा नहीं ऐड, अब निकल गई 60,000, अब निकली, इसमें भी कुछ नहीं पता सिलेक्शन होगा नहीं होगा भाई, वो तो जो टेस्ट करेगा उसका होगा। भर्ती तो निकाल दी उन्होंने, अब इतने लोग फॉर्म भर रहे हैं भाई, फॉर्म तो जब लोग हैं तो भरेंगे, हमें तो लगता नहीं किसी का नंबर आया नहीं सर, जितनी भर्ती है उनका तो आएगा ही। हाँ थोड़ा बहुत जो भी है वो आएगा, पर अब क्या निकल ली उन्होंने, पहले से सब परेशान थे, अब ठीक है फिलहाल। आपने भर रखा? मैंने नहीं भरा जी। क्यों? टाइम वो निकल गई थी, डेट एज निकल गई कि डेट निकल, डेट निकल गई थी यार, इतने दिन का टाइम मिला तुम भर नहीं पाए फॉर्म? मैं जा लेता कहीं, डेट भर डेट निकल तो ऑनलाइन था कहीं से भर देते, फिर कह रहे तुम बेरोजगारी होगी, ये तो गलती आपकी है, गलती हमारी है इसकी वजह से। तो मेरा नाम दिलशाद है। दिलशाद जी जी, हम तो ये जा रहे सरकार, कभी जयंत कहता मैं ये करूँगा सामना करूँगा बीजेपी का, उनके साथ चले गए, तो कैसा लग रहा आपको?
फैसला कैसा लगा, लोकदल उनके पास ही चलेगी बीजेपी के? जी इनका तो काम है चलाओ चुल्ला है, कभी उधर कभी उधर, इधर देखिए तब आप रात उधर गुजार दी सारी रात इनका। अच्छा तो इनका काम तो यह है भाई, ये तो अब उधर भाग गए, कल को कोई और पार्टी आओ उसमें भाग जाएंगे। अच्छा हाँ जी, चलाओ चुल्ला कैसा हो कहीं ले जाओ, कहीं ले जाओ, यहाँ से उठा के वहाँ रख लो, वहाँ से उठा के वहाँ रख लो। अच्छा जी हाँ, पता लगे कहीं और रख दे। जी हाँ, ऐसा भी हो सके। जी हाँ, कहीं और भी रख सकें ये, कहीं और भी रख सके हैं भाई। अच्छा हाँ, ये सरकार है योगी जी को कैसे दिख रहा है? योगी मुख्यमंत्री योगी कैसा है? बन है देखो भाई, हमारे लिए तो सारे बढ़िया है, वैसे जो है लोगों की नजरों में जो है गलत है। हाँ जी, आपकी नजर देखो हमारी नजर, हमें तो बुढ़े, हमें तो पिछाड़ी नहीं रही। आपको तो ज्यादा अनुभव होना चाहिए, तजुर्बेकार ही होते हैं बुढ़े। नहीं जी बुढ़े नहीं, जिन्हें जिन्हें दीन इस्लाम का पता नहीं, वह मंदिर भी ढा रहे हैं, मस्जिद भी ढा रहे हैं, उन्हें पता नहीं दीन इस्लाम का, उसकी क्या है कि सरकार बढ़िया है, जहाँ जिसका मर्जी होगा वहाँ वोट पड़ेगा। नेता एक नेता सही नहीं कर रहे ना, कोई नेता सब खराब है, तो सभी चले गए इनकी तरफ ही, जो देख रहा होगी बीजेपी का नहीं खराब है। तुम रह गए सारे सारे, मैं जिस भी ढाल लग रहे हैं, मंदिर से भी ढारे, मंदिर भी ढारे, मंदिर के देखा ढाता कोई क्या की बढ़िया सरकार, यानी ये कमी है और कई सारे काम खराब ही नहीं हो रहे, ये कोटे कोटे के पीछे हो रहे लोग, वहाँ लोग राशन दे रहे, राशन देख रहे, देखना नहीं चाहिए राशन, और भी चीजें देखनी चाहिए, और भी देखनी चाहिए, हर चीज की तेजी नहीं है, मजदूर कहाँ मजदूर थाली फिर है। क्या नाम आपका? आबिद। आबिद हाँ, तो आप कुछ क्यों नहीं कहेंगे? हम क्या कहेंगे बता रहे लोग कल से आप? नहीं हमने, और जो आएगा दे देंगे। नहीं लोकदल ने सही क्या क्या गलत? सब सही कर रहे हैं। सब कौन? लोकदल, लोकदल सब सही है। सही है। सपा के साथ गलत नहीं किया क्या? सपा के साथ नहीं, सही चला गया अब ये। अब सही गया? हाँ अब सही चला गया है। अच्छा, इधर आए भाई साहब, इनसे बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, अल्लाह का शुक्र है। और कैसे चल रहा है आपकी नज़र में हुकूमत, कैसी चल रही है हुकूमत? सब जानते हैं कैसी चल रही, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं ज़्यादा नहीं जानता इसके बारे में, ना जानते हो। बस सही नहीं चल रही, गलत चल रही है। गलत चल रही है, गैर जानबदार नहीं है। किन मुद्दों पर है? किन मुद्दों पर गलत चल रही है? तमाम तर मुद्दों पर हुकूमत की कहाँ कोई अदल इंसाफ नहीं है। बस तो कह रहे हैं कि हमारा मंदिर बना तो मस्जिद की भी जगह दे दी, हम तो इंसाफ कोर्ट के थ्रू हो रहा है, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि तानाशाही चल रही है, जो कोर्ट कर रहा है वो हो रहा है। तानाशाही है, कोर्ट हुकूमत की ताबे है, सबको मालूम है, सबको मालूम है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये तानाशाही ज़्यादा चल रही है? हाँ तानाशाही चल रही है, और सबकी तानाशाही का इलाज होता हुआ है, मुगलों ने तानाशाही की तो उनका भी इलाज हुआ, अंग्रेज़ों ने की उनका भी हुआ, उससे पहले जिन्होंने तानाशाही की सबका इलाज होता रहा ऊपर की ऊपर से, अल्लाह की यहाँ सबका इंसाफ होता है। अच्छा, सब आपको लगता है कि इनका भी होगा? सबका होगा, जो ये सरकार है मतलब जो भी जुल्म करेगा उसका बेड़ा गर्क होगा, कोई भी हो। तो इस सरकार में कौन जुल्म कर रहा है? बस सब जानते हैं, सेंटर में हो रहा है कि प्रदेश में हो रहा है, योगी जी मोदी जी दो ही चला रहे हैं, सब जगह हो रहा है। कोई मुसलमान गड़बड़ी करता है तो फौरन उसके घर तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है, कोई उनका लीडर करता है कुछ नहीं होता। यानी आप कह रहे हैं अगर मुस्लिम कोई करेगा कोई क्राइम तो उसके यहाँ बुलडोजर जल्दी चलता है। किसी और अगर बात करें, आप क्या सीधा टारगेट है, अगर हिंदू कहेगा तो उसके यहाँ चलेगा नहीं। कुछ नहीं, उन जो उनकी खास हिंदू भी चलता है बाज में, यानी जो पार्टी विशेष पार्टी के हैं या उनके जो जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं उनके यहाँ कुछ नहीं होता है, और जो मुखालिफ हैं उनके एकदम चलता है, ये वर्गलाते हैं कि सरकार के जो क्राइटेरिया है, जो मानक हैं, कहीं नगर निगम के बुलडोजर अवैध, कहीं अवैध जमीन होती है, कहीं नक्शा पास नहीं होता, तमाम कहीं ना कहीं तो कोई पॉइंट होते हैं उनके आधार पर बुलडोजर, तो वो सिर्फ मुसलमानों ही के पास है क्या, और नहीं किसी के पास है? मैं बहुत सारी आपको फहरिस्त और लिस्ट दे सकता हूँ जहाँ तो चला कर दिखा बुलडोजर। चलो, तो जयंत का फैसला कैसा लगा आपको, आखिरी सवाल ये? वो जयंत जानता है, मैं नहीं जानता, 22 में एक साथ रहते सपा और जयंत, वो तो अब सियासी फैसला है जो चाहे कर सकते हैं।
ठीक फैसला है उसका अपना। ठीक है, चलिए। ये तमाम लोग आपने सुना, ये गांव टपराना के लोग थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार में हिंदू मुस्लिम भी है थोड़ा। कुछ लोगों का ये कहना है कि साफ सुथरी सरकार चल रही है। और रही बात जेएनएम की एनडीए में जाने की, वो कह रहे हैं कि ठीक है ये चलती ट्रेन है, बैठना लेना चाहिए। जो उनका व्यक्तिगत फैसला है, जैसा भी है वो उनका है, इसमें हम कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते, नहीं कुछ कह सकते। आप भी जुड़ रही खबर पुस्तक के साथ, अपने सहयोगी अंकित के साथ, मैं कुलदीप सिंह शामली से।